आज अरशद शरीफ एंकर पर्सन का जब कत्ल हुआ कीनिया में, तो मोमबत्ती माफिया और मोमबत्ती आंटियां और जितने भी लिबरल तबका है, आज सभी को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, सभी को इस बात का दुख हो रहा है। और हमारी मीडिया को आप देख लें, हर तरफ से एक ही बात चल रही है, अरशद शरीफ को शहीद किया, फना किया, ये किया, वो किया। तो मेरा सवाल ये है कि जब हवेली में आज से 5 दिन पहले जब गुलामान रसूल पर स्ट्रीट फायर किए गए और उनको शहीद किया गया, 4 बंदे शहीद हुए, 15 से 20 बंदे ज़ख्मी हुए, तो वहाँ उस वक़्त ये मीडिया कहाँ था? उस वक़्त ये मीडिया क्यों खामोश था? ये लिबरल तबका क्यों खामोश था? तो पाकिस्तान में जब तक ऐसे लिबरल माफिया या मोमबत्तियाँ हैं, तब तक किसी भी गरीब इंसान को इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी भी मजलूम को उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। एंकर पर्सन हैं, जितने भी मीडिया हैं, सब चीख चीख कर बोल रहे हैं कि उसको कत्ल करवाया गया वगैरह वगैरह। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को शहीद किया गया, उस वक़्त तुम्हारा इंसाफ कहाँ था? उस वक़्त तुम कहाँ थे? उस वक़्त तुम्हारी आवाज़ क्यों बंद हो गई थी? क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान या तहरीक लबैक के वर्कर्स पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? मेरे सवाल उन एंकर से हैं, ख़ासकर शाहजेब खानजादा साहब, सैयद अली हैदर और ये हकीकत टीवी वाला वगैरह जितने भी हैं, तो आज बड़े बड़बड़ कर रहे हैं। जब तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था रियासत की तरफ से, उस वक़्त आप कहाँ थे? उस वक़्त आपके चैनल क्यों नहीं बोल रहे थे?